IGS 7 TV మా ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్ని మళ్ళీ అన్ని స్నేహితులారా ప్లీజ్ అవర్ గుడ్ మార్నింగ్ హా దట్స్ వై యా హై ఎవరీబడీ కేసే ఆప్ లోగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్స్ సారీ టీమ్ కో గ్యాంగ్స్టర్ కి बहुत ही अच्छा मतलब इसमें तो मुझे फर्स्ट थिंग ये दिखी कि आप लोग का टीम वर्क बहुत अच्छा लगा जो आप लोग बहुत यंग है एंड कुछ चीज़ के लिए मेहनत करे तो बहुत अच्छा दिखा देकर एंड आप लोग की एज तो बहुत ज़्यादा है मैं तो उससे छोटे रहने से ही चीज़ों में था तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और गैंगस्टर बहुत ज़बरदस्त आप लोग टाइटल दिए इसको और इसके साथ में गैंगस्टर का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना इतना आसान नहीं है पहली बात तो क्योंकि गैंगस्टर दिखना भी चाहिए रहना भी चाहिए और इसके साथ साथ वो फील भी होना चाहिए तो आपका ये जो ट्रेलर लॉन्च आप लोग के लिए बहुत अच्छा लगा इसकी स्टोरी तो अभी कुछ समझ भी नहीं आई लेकिन इतना दिखा कि कुछ ना कुछ सस्पेंस है इसमें वो हीरोइन को गोली कैसा पड़ी वो देखने के लिए तो वो देखना ही है एंड इसके साथ साथ जो आपकी टीम थी आपके जो गैंगस्टर्स थे साथ के दिखने में तो पक्का गैंगस्टर दिख रहे तो ओवरऑल अच्छा लगा मुझे ट्रेलर ये और 14 फरवरी को रिलीज हो रहा है हैदराबादी सिचुए तो बिल्कुल मैं तो देखूंगा और ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर मुझे इनवाइट करे आप लोग बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच अगेन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम ऑफ गैंगस्टर्स स्पेशली आयाम थैंक यू सो मच इंद्रा थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स नाउ वी आर ओपनिंग द फ्लोर द वेरी हैंडसम मिस्टर आयाम मिर्ज़ा प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड ये सब जिसके लिए आए हैं यहाँ पे हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर समर स्टेज पर नहीं आ सकते बिकॉज़ ही मेट विद एन एक्सीडेंट चेयर पे बैठ स्पेशल गेस्ट इमरान खान जी थैंक यू फॉर कमिंग हियर तो हमारी गैंगस्टर मूवी में ऐसा है हम लोगों पर एक तरीके का मैसेज भी है एक तरीके से लव स्टोरी है अलहमदिल्ला फैमिली पूरी फैमिली बैठकर देखे वैसी मूवी है इंशाल्लाह जो भी है ट्रेलर में देखिए आप लोग आप लोगों को पसंद आए Thank you.
जी आज हमारी लॉन्चिंग है गैंग लव स्टोरी ऑफ ए गैंगस्टर हमारी मूवी का टाइटल है। तो आज हम लोग 5 फरवरी 2022 लॉन्च कर रहे हैं। तो ये हमारी मूवी में आपको एक तरीके का लव स्टोरी देखने को मिलेगा, फुल इंटरटेन, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा बहुत सैडनेस भी है अपने पास, एक तरीके का मैसेज भी है। क्या मैसेज आप देना चाह रहे पब्लिक को? क्या मैसेज पब्लिक को एक मैसेज देखना देना चाह रहा हूँ मैं। आप लोग एक तरीके से पूरी फैमिली के साथ अपनी बैठ के मूवी देख ले सकते हैं। किसकी रिलीज होंगी आपकी मूवी? जी मेरी मूवी है हैदराबादी चिचोरे यूट्यूब चैनल है जी, जी वहाँ पर ये मूवी रिलीज होंगी। लीड कैरेक्टर आयन मिर्जा है और इसमें हीरोइन का नाम ऐशा ऐश बोल रहे हैं। क्या किरदार निभा रहे हैं? कौन हीरोइन? हीरोइन का हीरोइन किरदार है जी उन्हों एक जो नहीं नहीं ये आयन मिर्जा की उन्हों गर्लफ्रेंड रहेंगे जी। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर? जी मैं हूँ, मेरे साथ एक टीम है। आप प्रोड्यूसर हैं? मैं डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर हूँ मेरे साथ। कैसा आपको क्लिक हुआ ये मूवी, मतलब कैसा आप कौन कौन लिखे? मेरे को देखिए एक कॉन्सेप्ट आया था कि एक दिमाग में एक गैंगस्टर तरीके के एक बनाना बोल के, अब देखा जा रहा है आपकी हैदराबाद में अभी फिलवक के हिसाब से हैदराबाद में अपने गैंगस्टर्स का मसला बहुत चल रहा, तो अब लव स्टोरीज भी चल रहे हैं बहुत जनों के, कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं रह रही लव स्टोरी के लिए, तो लव स्टोरी हर एक जने की चल रही। तो एक लव स्टोरी ऑफ ए गैंगस्टर तरीके के टाइटल में कुछ सुधरा था, तो मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड बैठ के हम लोग टीम डिस्कस कर लिए थे। तो ऐसे स्क्रिप्ट कर लेके आयन मेरे भाई के तरह है, तो हम लोग मिल के डिसाइड कर लेके फिर स्टार्ट करें। कितने दिन हुए आपके मूवी पूरी? जी मेरे को ये टोटली 4 डेज कम्प्लीट हुए थे। प्लानिंग के लिए आपको कितना टाइम? प्लानिंग के लिए मेरे को एक नियरली 1.5 महीना कुछ लगा था जी। कहाँ पे शूटिंग्स इसकी? कहाँ पे भी ज़्यादा शूटिंग इसकी? शमशाबाद पे हुई, अपने ओल्ड सिटी में हुई जी, हैदराबाद में हुई पूरी टोटली। तो आपको क्या उम्मीद है, क्या होप है आपको इस फिल्म से? होपिंग तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है होपिंग तो जी। आगे बढ़ेंगे, नेवर गिव अप। ओवरऑल आपकी जो मूवी है क्या बजट है उस मूवी का? मूवी का बजट छोड़ दीजिए, बजट के बाद में इंशाल्लाह, अभी आगे बहुत प्लानिंग चल रहे हैं। इस पे तमाम आपके काम में आपके तमाम फैमिली आपकी सपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किसका रहा आपको? सपोर्ट तो मेरे को पूरे भाइयों का, फैमिली का भी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी आपके व्यूअर्स जो भी है जी, आप क्या कहना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उन लोग जाकर मूवी देखिए और जिस जिसको अपने क्या अपने एक अंदाज में देखिए, बस इतना ही। थैंक यू। एवरीवन, आई एम आयशा आश एंड हमारी ये मूवी है गैंगस्टर लव स्टोरी एंड मैं ये मेरी पहली मूवी है और इसमें मैं एक पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ, आयन की गर्लफ्रेंड हूँ एंड ये मूवी ऐसी बनी है कि लाइक माशाल्लाह अच्छी है, बहुत अच्छी है। आई जस्ट लव इट। लाइक आयन से मिला, लाइक इन्होंने मुझे कॉल करे थे, ऐसी स्टोरी है और माशाल्लाह अच्छा है। आप पहले भी कुछ कर चुकी है? नहीं, दिस वन इज फर्स्ट, पहली है। कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? कैसा रहा? अच्छा है, मस्त है, अच्छा बहुत। किसके अच्छा साथ आपको मतलब ज़्यादा मतलब काम करने में कौन सा ऐसा काम था जो आपको मुश्किल का था, वो जो आसान हो गया बात? लाइक एक्टिंग में ऑफ कोर्स मेरा ये फर्स्ट मूवी है, सो मुझे डायलॉग्स में बहुत मुश्किल होती थी, बड़े बड़े डायलॉग्स एंड दैट ऑल, और ये आसान हो गया। ऐसा कौन सपोर्ट करे आपको? आयन मिर्जा ऑफ कोर्स। आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अभी कुछ है? नेक्स्ट रैप सॉन्ग है, उसमें करने वाली हूँ। आपके जो भी चाहने वाले हैं, जो भी देखने वाले हैं, उन लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? कि आप सब लोग देखो और लाइक जो कॉन्सेप्ट है उसे समझो और लेट्स। आपके अभी क्या होप्स है आप मूवी के बाद? ये मूवी के बाद ऑफकोर्स मैं आगे बनना चाह रही हूँ एंड और इससे अच्छे अच्छे लाइक अच्छे अच्छे मूवीज मिलेंगे। जेनरिक टॉपिक है बट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फीमेल गैंगस्टर ऑल्सो इन द मूवी बट डिसअपॉइंटेड लिटिल, लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रेलर था। बच्चियों का रोल बहुत ही कम था उसमें और आई थिंक इट हैज़ टू बी वेरी मोटिवेशनल फॉर ऑल द वुमेन ऑल्सो आउट देयर, फॉर द वुमेन एक्टर्स। So as an actor myself, I feel they should also get lot of visibility in the movie as well. तो मैं इनको समझ ने मुझे बताया था मूवी के बारे में, तो it's a very good movie, so I would like to congratulate them and wishing them all the best for the movie. Thank you. कि इतनी यंग एज में उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा
एंड उस पर कोशिश करने की आई मीन एक्ट करने की कोशिश की एंड ऑल द स्टार्टिंग ट्रेलर भी बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि एक बार उनका ट्रेलर उनकी मूवी शॉर्ट मूवी यूट्यूब पे ज़रूर देखें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, उनको सपोर्ट करें। न्यू जनरेशन को हम सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स वो आगे चल के बहुत अच्छे एक्टर्स साबित होंगे। तो आई वुड जस्ट गिव टेल देम ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मूवी। मैम आपको ट्रेलर देखने के बाद कैसा महसूस हुआ फिल्म मूवी? अभी तो सस्पेंस लगा है ना ट्रेलर, तो जब हम पूरी मूवी देखेंगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं भी ज़रूर यूट्यूब पे कमेंट करूँगी नीचे जाके श्योरली कि मुझे कैसा लगा मूवी। बट अच्छा ओवरऑल उनका जो स्टार्टअप है बहुत अच्छा है एंड श्योरली हम उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। तो मैं सुपर मॉडल हूँ जो हैदराबाद में जो भी है फैशन फिल्म है, जो भी हैदराबाद में फैशन वॉक्स होते हैदराबाद में जो भी शोज़ होते हैं सब करके हूँ। और मैं ब्रांड्स करके हूँ मैक्स के इसके, और मैं ज़्यादा फैशन फिल्म में फिर एक्टिंग स्टार्ट करियर मेरा। ये आपकी जो फिल्म है आपको कैसे मिली मतलब? देखो मेरा पहले एक प्रीवियस प्रोजेक्ट आया था तो मैं समद का कॉल आया था, उन्होंने मैसेज करे थे मेरे को पहला इंस्टाग्राम पे कि यार मैं आपसे मीटअप करना है, तो भाई मेरे से मीटअप करके मैं प्रोजेक्ट दिए थे इनके तरफ से मिला है। तो कैसे रही आपको स्टोरी, आप सुनते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैं स्टोरी देखता ना कि कैसा थी क्या है कुछ देखना, मैं एक एक्टर हूँ अब कुछ भी तो मैं करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। फिर भी लोग सोचते रहे कि भाई मैं ये रोल में जमूंगा या नहीं, मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब एक्टर है ना तो कुछ भी कर सकता है, रोल्स देखता नहीं है। तो कैसा लगा आपको काम करके? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त दिखा, अच्छा दिखा। नहीं नहीं ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आ रहा है, तेलुगु मूवी कर रहा हूँ मेरा, वो भी अपकमिंग आने वाला है। कितने साल से आप ये फील्ड में जैसे कि मॉडलिंग कर रहे हैं आप? मॉडलिंग तो मैं 4 इयर्स से हूँ। अच्छा, यानी कि 4 इयर्स की एज से है या फिर 4 इयर्स से है? लाइक 2018 में स्टार्ट करा था मैं मॉडलिंग करियर। जी जी। फिर जब से अब तक लाइक मॉडलिंग 2 इयर्स में मॉडलिंग में बहुत जल्दी सक्सेस हो गया था। फिर मैं जैसा सक्सेस हुआ मैं बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलना लग गए, 3 म्यूजिक वीडियोज़ कर लिया मैं बॉलीवुड के, फिर इधर आ गया। अभी आपको क्या होप है आपको ये मूवी से? देखो होप तो है क्योंकि जब मेहनत करें ना तो फल मिलता ही है, तो होप की बात है तो ऑब्वियसली हिट हो जाती है। आपके व्यूअर्स को आपके चाहने वालों को क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? मैं यही चाहता कि अच्छी दिखी या ना दिखी कुछ नहीं है, बस जो भी आप कॉन्सेप्ट देख के समझो, अगर एक बार समझ में भी नहीं है सेकेंड टाइम देख के समझ के आप जो भी समझ में आ रहा है देख के बस सपोर्ट करो। आप हैदराबाद तकरीबन हैदराबादी में क्या ट्रोलिंग चलती, अगर जो भी है ये ट्रोल वो ट्रोल, एक्ट्रेस भी है तो एक्ट्रेस के ऊपर ट्रोलिंग, तो मैं बोलता हूँ ये नेगेटिव माइंडसेट हटा देना है, जो मेहनत कर रहा है उसको बस अप्रिशिएट करना है उसके वर्क को, तो बस यही है क्योंकि काम इतना आसानी से होता नहीं है जो भी काम है। आपके जो को-एक्टर्स हैं वो लोगों का आपके साथ काम कैसे दिखा? आयशा को तो मैं पहले से ही जानता हूँ, आयशा मेरी फ्रेंड है 1 ईयर से, लाइक मॉडलिंग में मिले थे इन्हों भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिखा, बहुत अच्छा दिखा। आपके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ आपका कैसा तालमेल? मैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो नहीं बोल सकता क्योंकि एज ए फ्रेंड एज ए मेरे को इनवाइट करके मिले थे उनको, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं आज तक बुलाया नहीं। मैं बोला भाई तू मेरे छोटे भाई है, मैं भाई बनाया उनको, मैं कभी ये नहीं समझा डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्योंकि इनका वर्क नहीं है मेरा वर्क है, मेरा वर्क समझ के मैं वर्क कर रहा हूँ। लाइक ऑलमोस्ट 3 डेज हो गया, अब बाहर भी हो गई शूटिंग तो मेरे जितने भी थे मैं तो 3 डेज था, बाकी का इन लोगों को मानो कितना हुआ। गुड इवनिंग हैदराबाद, दिस इज ठाकुर सुशांत सिंह, होस्ट एंकर एंड अ मॉडल। आज यहाँ पे गैंगस्टर द लव स्टोरी ऑफ गैंगस्टर ट्रेलर लॉन्च हुआ है शॉर्ट मूवी का, जिसके डायरेक्टर है समद, जिसके एक्टर है अयान और आयशा। एक बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग आए हैं और ये बहुत कम एज के लड़के लड़कियाँ हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जिन्होंने इतना एफर्ट्स डाला है इसमें कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इवनिंग 7 o'clock और 14th के दिन 14th ऑफ फेब दैट इज़ वैलेंटाइंस डे, उस दिन इनकी ये मूवी रिलीज़ हो रही है हैदराबादी चिचोरे चैनल पे। तो आज शाम में 7 बजे इनका ट्रेलर ज़रूर देखिए और इनकी मूवी को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी, अगर कुछ आइडियाज़ और इम्प्रूवमेंट्स है तो वो भी कमेंट करिए। हमें ऐसे ही हमारी यंगर जनरेशन को सपोर्ट करना है, ऐसे ही हमें उन्हें आगे लेके जाना है। क्या उम्र के बच्चे हैं सर? ये लोग होंगे सर कुछ 20-21-18-19 साल के बच्चे हैं और जो डायरेक्टर है वो खुद अभी 18-19 साल का ही है समझ,
तो बहुत लाइक बहुत मोटिवेट करते हैं ये लोग हम लोगों को भी कि अगर आप यंग एज में स्टार्ट करते हो तो उसका एक प्रॉफिट है कि आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है, अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो आपके पास बहुत टाइम होता है उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने का। सो जितने भी यंग लोग मेरे को देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी पैशन हो, डांसिंग हो, एंकरिंग हो, मूवी, शॉर्ट मूवी, एक्टिंग, पेंटिंग, कुछ भी हो, स्टार्ट करिए। किसी के मोटिवेट करने का वेट मत कीजिए, अपने आप से शुरुआत कीजिए, सो दैट आपको भी एक मोटिवेशन आएगा कि आप भी कर सकते हैं एंड आसपास आपके लोग हैं जो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर आपको मेरा सपोर्ट चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी MC शशांत है, बस एक मैसेज कर दीजिए कि भैया हमारे को ये चीज़ में आगे बढ़ना है, हमें इस फील्ड में सपोर्ट करिए, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहूँगा। थैंक यू।